अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड एंड गो सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो जहां पर पिछला व्लॉग खत्म हुआ था और उससे थोड़ा सा आगे अभी ये न्यू व्लॉग शुरू हुआ है, और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं बहरीन। बहरीन के रास्ते में जो अच्छी जगह आएंगी वहाँ पर हम रुकेंगे भी सही। रास्ते में हरे भरे पहाड़ भी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ दरिया भी बह रहा है रोड के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ रोड है और साथ दरिया बह रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा जगह है। और देखें पहाड़ों पे हरियाली है, बहुत बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और अभी आगे हम कलाम जाएंगे और बहुत इससे आगे बहुत कुछ देखने वाला होगा रास्ते में। और अभी हम पुल के ऊपर, मेरे ख्याल से नीचे एक पॉइंट है, अगर आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, अगर ना रुकें तो इतने कोई खास जगह नहीं है। यहाँ पर रुक के नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं या कुछ रेस्ट वगैरह, आपने आपको इतना अगर लंबे सफ़र से आ रहे हैं आप तो रेस्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर आप बाहर निकल के। और नीचे देखें एक बार, देखें कितना ज़बरदस्त जगह है ये। और सामने पानी जा रहा है, साइड पे पत्थर, पानी का शोर इतना है कि बस। अभी मैंने आवाज़ थोड़ी कम की हुई है उसकी, पानी की आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी इतनी। यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है सारा पत्थरों में, यहाँ पर कोई पानी आया होगा तो पत्थर अभी तो सूखे में है। और सामने बहुत तेज़ी से पानी जा रहा है और नीले कलर का पानी है, ग्लेशियर से पानी आ रहा होता है, तो कितना साफ़ पानी है, आप इससे मुँह हाथ धो सकते हैं, पानी बिल्कुल साफ़ है, बहता हुआ पानी है, तो ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, अगर ना रुकें तो कोई ख़ास पॉइंट नहीं है ये। मैं इस जगह की बुराई नहीं कर रहा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़रूर रुकें यहाँ पर, ये बुरी जगह नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस जगह को आप स्किप कर सकते हैं। मैं इस जगह की हरगिज़ बुराई नहीं कर रहा, तो आप रुक भी सकते हैं यहाँ पर, कोई बुराई नहीं है इस बात में। माशाल्लाह से आगे देखें आप, कितना ब्लू कलर का पानी जा रहा है, कितना साफ़ सुथरा पानी जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। इस दरिया का मुझे अभी नाम नहीं याद, पता नहीं नाम क्या है इस दरिया का, लेकिन है दरिया, ये दरिया बह रहा है। आप देखें कितना साफ़ सुथरा पानी जा रहा है, आप इससे मुँह हाथ धो सकते हैं आराम से, इस पानी में कोई ख़राब पानी नहीं है, साफ़ पानी है ये। ग्लेशियर्स भी गल रहे होते हैं तो उधर से, मैंने जैसे आपको पहले बताया तो वही पानी आ रहा होता है ये। और देखें किस तरह खूबसूरत जगह है, सारे आसपास पहाड़ वगैरह, किस तरह पहाड़ों पे हरियाली वगैरह, कितना अच्छा लग रहा है। देखें सामने, देखें आप कितना तेज़ से पानी जा रहा है, और साथ साथ घर भी हैं, हर घर हैं, होटल्स वगैरह हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। और अभी हमने निकलना है बहरीन, तो बहरीन के रास्ते में आपको ये जगह मिलेगी। और अभी हम जाएंगे होटल में, तो वहाँ पर होटल भी हमें जल्दी बुक करना होगा क्योंकि रात को हमें वहीं पे स्टे करना है, तो रात हो गई तो हमें वहाँ पर का रूम हमें काफ़ी मुश्किल से मिलेगा। तो ऊपर देखें बादल छाए हुए हैं सारे पहाड़ के ऊपर, बरसने वाले बादल तो नहीं हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। और जा रहे हैं होटल की तरफ, अभी जाना है हमने, आपसे जा रहे हैं इस जगह को छोड़ के। तो अभी हम होटल में पहुंच चुके हैं और अभी हम खाना वगैरह खाएंगे वो रूम में पहुंच के,
और थोड़ा सा बाज़ार वगैरह घूमेंगे रात को, तो फिर सो जाएंगे। और सुबह हमने जाना है कलाम के लिए, तो नाश्ता वगैरह करके सुबह कलाम जाएंगे। तो अभी हम ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो ऊपर रूम काफ़ी ऊपर मिला है हमें, एंड वाले फ्लोर पे बिल्कुल। तो ये होटल के बाहर का व्यू हमारे सबसे ऊपर से नीचे देखते हुए डर लगता है, और ये सामने से पानी जा रहा है। मैं अभी हूँ बहरीन के बाज़ार में, तो साइड पे पानी का शोर इतना है। और अभी सुबह हो चुकी है, मैं नीचे जा रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं था, और थोड़ा सा उससे नीचे वाले फ्लोर पे इन्होंने बनाई हुई है। साइड पे कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हैं, तो वहाँ पर चार भी पड़ी हुई है। और अभी सुबह उठा हूँ और देखें कितना प्यारा व्यू है बाहर का हमारे होटल से। तो रात को हमें पता नहीं चला कि काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए हमें पता नहीं चला बाहर का व्यू का। तो अभी सुबह उठा हूँ कि ज़बरदस्त व्यू है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और मैंने जैकेट पहनी हुई है। और सामने से पानी जा रहा है, ये वही वाला दरिया है जो वहाँ पे हमें पहले देख कर आए हैं। और देखें साइड से लोग जा रहे हैं, ऊपर कोई रहते होंगे। और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हुए भी चक्कर आते हैं। और होटल बिल्कुल दरमियान में है, साइड पे पहाड़, सामने पहाड़, पीछे पहाड़, मतलब दरमियान में है होटल वगैरह। और नीचे अभी लोग दुकानें खोलेंगे अपनी, तो हम नाश्ता भी लेंगे, और नाश्ता करके फिर हम जाएंगे कालाम। और देखें नीचे बिल्कुल खाली है अभी रोड। होटल में इतना रश नहीं था, हमें टेंशन थी कि होटल में रश होगा, हमें रूम मुश्किल से मिलेगा, लेकिन इतना रश नहीं था होटल में। अभी सूरज भी नहीं निकला और सुबह सुबह का टाइम है, सामने बादल छाए हुए हैं, और सामने बाबा जी जा रहे हैं उतर के। ऊपर कोई घर होगा इनका, तो जब से हम यहाँ पर आए हैं बारिश वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो अगर आप आ रहे हैं कलाम साइड पे, तो आपको ये जगह बहरीन ज़बरदस्त जगह है। अगर आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते में होटल मिल जाएंगे। आप एक बार व्यू देखें सामने का, होटल से नीचे पानी जा रहा है और सामने पहाड़, साइड पे पहाड़, और सूरज भी निकल आया है। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अभी हम जाएंगे कुछ देर में कलाम की तरफ, और वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज लीव अ ह्यूज ह्यूज थम्स अप इन दिस वीडियो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।